बहुत पुराना हो चुका था, अब नया शुगर मिल बनके तैयार हो चुका है। दो दिन पहले उसका ट्रायल भी सफलतापूर्वक हुआ है और आज जितने भी किसान उस इलाके के मिले हैं वास्तव में सब बहुत खुश थे। इस कारण जो करनाल की शुगर मिल है इसमें लगभग 80% जो किसान इससे जुड़ा हुआ है वो गोरुंडा विधानसभा का है। तो मैं सभी इलाके के लोगों की तरफ से, सभी गन्ने की खेती करने वाले सभी किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। हमारे साथ हैं घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी, उनसे जानते हैं। आज वो PWD रेस्ट हाउस में पहुंचे तो उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी हैं और क्या क्या समस्याएं लोग लेकर आते हैं उनके पास, उसके बारे में जानेंगे। सर, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं कि नया शुगर मिल चालू हो गया आपके, और आपसे लोगों ने शुभकामनाएं भी दी आपको, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और आज समस्याएं जो सुनी उसके बारे में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोगों की बहुत पुरानी इस डिमांड को पूरा किया, जो कि हमारे पूरे इलाके की डिमांड थी। और जो शुगर मिल बहुत पुराना हो चुका था, अब नया शुगर मिल बनके तैयार हो चुका है। दो दिन पहले उसका ट्रायल भी सफलतापूर्वक हुआ है और आज जितने भी किसान उस इलाके के मिले हैं वास्तव में सब बहुत खुश थे, इस कारण से कि आने वाले समय में जो गन्ने की खेती, जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा खेती और कर पाएंगे। और ये जो करनाल की शुगर मिल है इसमें लगभग 80% जो किसान इससे जुड़ा हुआ है वो गोरुंडा विधानसभा का है। तो मैं सभी इलाके के लोगों की तरफ से, सभी गन्ने की खेती करने वाले सभी किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका संदेश मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से ज़रूर पहुँचाना। सर, आज लोगों की जन समस्याएँ सुनी हैं तो क्या क्या समस्याएँ हैं, कैसे हल किया जा रहा है? देखिए, ये तो एक नियमित प्रक्रिया है जो लोगों के साथ मेरा लगातार बैठना होता है, और इलाके के लोग, सभी लोगों की जो भी कोई समस्याएं हैं, चाहे वो क्षेत्र के विकास को लेकर हैं, चाहे वो निजी समस्याएं हैं, या कोई भी इस तरह के कई तरह के जो कार्य होते हैं उससे संबंधित हमेशा लोग मिलते रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि सभी के काम ठीक तरीके से हों, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की भी हमेशा ये कोशिश रही है कि व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य वो व्यवस्था में अपने आप लोगों को उनके कार्यों का, उनकी समस्याओं का समाधान हो। फिर भी कोई ऐसी समस्या होती है तो अधिकारियों से बात करके उनको दूर किया जाता है। ये थे घरोंडा के विधायक हरविंदर कल्याण जी। उनका कहना है कि जो करनाल में जो नया शुगर मिल लगा है वो लगभग 263 करोड़ रुपए की लागत से नया शुगर मिल चालू हो चुका है और वहाँ एरिया के सभी किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। वहीं उनका कहना है कि आज PWD रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी हैं और जो भी उनकी समस्याएं थी उनका निदान भी किया है, तुरंत अधिकारियों को आदेश भी दिए गए ताकि उनको निपटाया जा सके। करनाल से KC आर्या, पंजाब केसरी TV।